आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पद पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है इस चैनल पर तो अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएंगी काउंसलिंग से रिलेटेड भी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ और फिजिक्स की वीडियो अभी स्टार्ट है मैथ और फिजिक्स का एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे मैथ्स का जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़े थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में कि उनके डिफिनेशन क्या होते हैं स्क्वायर रूट क्या होते हैं और क्यूब रूट क्या होते हैं यानी कि वर्गमूल और घनमूल होते क्या है रियल में उसके डिफिनीशन के बारे में हम जान लिए उसके फार्मूले जो भी इम्पोर्टेंट थे उसके बारे में जान लिए कैसे हम निकालते हैं स्क्वायर इस, रूट और क्यूब रूट किसी भी क्वेश्चन में तो आज हम उसी टॉपिक पे क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही मिलेंगे इस तरह के अगर आज की जो वीडियो है आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो इस तरह के वर्गमूल और घरमूल से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो आज के आज की वीडियो इन तक जरूर देखिएगा लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से देखिए पहला जो टॉपिक हमारा था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये आपके मैथ्स के पहले टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं आज इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं पिछली वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं पहला क्वेश्चन आपका देखिए इसी तरह से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहे हैं अगर पूरा क्वेश्चन आप कर लिए अच्छे से तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है बहुत अच्छी तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यदि अंडर रूट वन प्लस पच्चीस बटे एक सौ चौवालीस ये मान दिया है अंडर रूट में वन प्लस पच्चीस बटे एक सौ चौवालीस इजकल टू वन प्लस एक बारह हो तो x का मान बराबर है किसके बराबर होगा x का मान क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है ये, आप ये क्वेश्चन आपको दिया है अंडर रूट में वन प्लस पच्चीस बटे एक सौ इजकल टू वन प्लस एक सौ बटे बारह तो इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है x का मान क्या होगा चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया है वन बी में दिया है टू सी में दिया है फाइव और डी में दिया है नाइन तो कौन सा आंसर आपका सही होगा तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए हम देखते हैं अंडर रूट वन प्लस पच्चीस फटे एक सौ चौवालीस दिया है अगर रूट के पहले आपका थ्री लगा होता तो हम जान जाते हैं कि घनमूल निकालना है लेकिन रूट के पहले कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि आपको वर्गमूल निकालना है दो यहाँ पर लगा सकते हैं आप वर्गमूल के लिए लेकिन दो आपका छिपा हुआ होता है दो हम दिखाते नहीं गए यहाँ पर तो अगर रूट के पहले कुछ भी नहीं लगा है तो समझ लेंगे कि वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है वर्गमूल इसका रूट में दिया है तो इसको आरियम को निकालना होगा देखिए ये क्वेश्चन आपका था अंडर रूट में वन प्लस पच्चीस वटे एक सौ चौवालीस इसके टू वन प्लस एक सौ अट्ठे बारह इसको सॉल्व कैसे कर करेंगे पहले हम इस रूट को सॉल्व करते हैं देखिए पच्चीस बटे एक सौ चौवालीस एक सौ चवालीस का एक में हम इनका हर जब बराबर करेंगे तो एक सौ चवालीस आपका इधर आ जाएगा एक सौ चवालीस प्लस पच्चीस बटे एक सौ चवालीस हो जाएगा और इधर जो हमारा एडिटी चलते रहेगा उसको भी साथ में लेकर हम चलेंगे अब हम क्या करेंगे एक सौ चवालीस और एक पच्चीस को हम जब ऐड करेंगे तो एक सौ उनहत्तर होगा और एक सौ चवालीस आपका हर में है ही तो अंश में आपका क्या हो जाएगा एक सौ उनहत्तर बटे एक सौ चवालीस अंडर रूट में आपको मिल जाएगा और वन प्लस एक सौ बटे बारह दूसरे पक्ष में आपका दिया हुआ है अब तो हम क्या करेंगे एक सौ उनहत्तर वे एक सौ चौवालीस का हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो एक सौ उनहत्तर किसका वर्ग है तेरह का यानी कि एक सौ उनहत्तर जो आपका है एक सौ उनहत्तर का जब हम वर्ग किसका वर्ग करेंगे तेरह इंटू तेरह जब करेंगे तो एक सौ उनहत्तर आता है तो दो का वर्गमूल में दो का पेयर बनाते हैं जो पेयर बनता है उसमें से एक संख्या हम बाहर ले लेते हैं तेरह तेरह का यहाँ पर पेयर बनेगा एक सौ उनहत्तर के लिए तो एक तेरह हम बाहर ले लिए और चवालीस का क्या बनेगा बारह बारह का पेयर बनेगा बारह का स्क्वायर आपका एक सौ चवालीस है तो बारह इंटू बारह करेंगे दो का पेयर बन रहा है एक बारह हम बाहर ले लेंगे अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा तो एक सौ उनहत्तर का तेरह हो गया और एक सौ चवालीस का बारह तो यहाँ पर तेरह बटे बारह आपका आ गया और ये जो वन प्लस एक बटे बारह है इसको हम साथ में लेके चलेंगे तो ये आपका इक्वेशन अब ऐसे बन गया अंडर रूट आपका हट गया अब हम क्या करेंगे इसको एक्स बटे बारह को अलग कर लेंगे और तेरह बटे बारह में से एक को हम माइनस कर लेंगे इस एक को हम इधर आ, कर लेंगे एक्स बटे बारह इंचकल टू तेरह बटे बारह माइनस वन ऐसे हो सकता है उसके बाद से हम क्या करेंगे इसको इसका हर बराबर करके और इसको सॉल्व करेंगे तो तेरह बटे बारह माइनस तेरह माइनस बारह बटे बारह तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक बटे बारह और एक बटे बारह इचिकल टू एक बटे बारह हो गया और बारह से बारह कट जाएगा तो एक सजल टू वन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए बारह से बारह कट गया तो एक टू आपके क्या वान वान आपका क्या होगा आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए का है ऑप्शन नंबर ए में वन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बताया गया इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो कोई क्वेश्चन में आपका मिस्टेक नहीं होगा नेक्स्ट हम ने देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यदि अंडर उठ दो सौ अड़तीस इज टू तीन सौ साठ का चार बटे पाँच हो तो एक का मान है ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है और एक्स का मान यहाँ पर भी पूछा जा रहा है तो जो इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले उस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं इस समीकरण को ऑप्शन यहाँ पर भी चार मिल जाएंगे आपको ए बी सी डी तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे आंसर आपका क्या आता है तो आपका क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस दो सौ अड़तीस इसके अल टू तीन सौ साठ का चार बटे बार है का, का मतलब होता है गुड़ा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंडर रूट एक्स प्लस दो सौ अड़तीस तीन सौ साठ गुड़े चार बटे पाँच अब हम क्या करेंगे पाँच से तीन सौ साठ को हम काटेंगे बहत्तर बार में ये कटेगा और अंडर रूट ई एक्स प्लस दो सौ अड़तीस एक पक्ष में है और दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा बहत्तर में जब हम चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सौ अट्ठासी आपका आ जाएगा तो ये समीकरण आपका मिल जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे अंडर उटी एक्स इज्वल टू दो सौ अड़ अट्ठासी है ये दो सौ अड़तीस को हम इधर पक्षांतर कर देंगे इधर जाके ये माइनस हो जाएगा यानी कि दो सौ अट्ठासी में से दो सौ अड़तीस हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा पचास अब क्या हो गया अंडर उट टी एक्स इजकल टू पचास आपको मिल गया यहाँ से और जब अंडर रूट में एक है तो जब अंडर रूट हम हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर करें तो अंडर रूट में जो एक है जब अंडर रूट में किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट आपका हट जाता है तो रूट आपका इधर से हट गया लेकिन पचास का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा तो पचास का स्क्वायर पच्चीस सौ एक सिक्सल टू पच्चीस सौ आपका आंसर आ गया पच्चीस सौ आपका ऑप्शन नंबर ए में है ए ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं ये आपके देखिए दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन अंडर रूट में दसमलों में दिया गया है दसमलों में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसानी से हम कर पाते हैं ये किसके बराबर है ये पूछा जा रहा है भिन्न में इसको बदलना है दसमलों में दिया है भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपका दसमलव में है कहीं पर भी है तो जैसे लिया यहाँ पर छत्तीस दशमलव एक एक सौ दो दशमलव चार दिया है तो अगर अंश और हर में दशमलव के बाद जो संख्या है वो बराबर हो जैसे एक संख्या इधर भी है और एक संख्या इधर भी है तो हम क्या करते हैं दशमलव हटा हम हैं. के हम डायरेक्ट वो संख्या लिख सकते हैं तीन सौ इकसठ और एक हज़ार चौबीस दसमलव के बाद अगर संख्या बराबर है ऊपर और नीचे तो दशमलव हम हटा सकते हैं दशमलव कैसे हटा सकते हैं देखिए छत्तीस दशमलव एक है और एक सौ दो दशमलव चार है कभी भी दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं तो छत्तीस दशमलव है तो इसमें क्या करेंगे दस से मल्टीप्लाई करें यानी एक के साथ उत, एक के साथ उतना ही जीरो लगाते हैं जितना अंक के पहले दशमलव आपको हटाना होता है तो एक अंक के पहले दशमलव है यहाँ पर एक अंक आपको हटाना है तो एक जीरो लगाएंगे अगर दो अंक के पहले दशमलव होता जैसे अगर तीन दशमलव एक होता Mmta! तब हम दस हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं सौ से करते हैं तो अभी हमारा क्या है एक अंक के पले है तो छत्तीस दशमलव एक में हम जब दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा ऐसे ही नीचे हम एक सौ दो दसमलव चार में यहाँ पर भी दस से करेंगे क्योंकि पर भी एक ही अंक के दसमलव है ये आपका तो दस से ही मल्टीप्लाई करेंगे दो अंक के पहले होता तो सौ से तीन अंक के पहले होता तो, तो तीन जीरो यानी कि हजार से तो यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दसमलव हट जाएगा ऊपर आ जाएगा तीन सौ इकसठ और नीचे आ जाएगा एक सौ एक हजार चौबीस तो यहाँ से दस कैसे हटाया जाता है ये आपको पता चल गया अब हम क्या करेंगे आ, वर्गमूल में ही है इनका अंडर रूट में है स्क्वायर में आपको वर्गमूल निकालना है तो तीन सौ इकसठ का हम गुणनखंड करेंगे किसका पेयर ये बन रहा है गुणा मतलब किस में जाएगा तो उन्नीस जो हम करेंगे तो ये उन्नीस बार में जाएगा फिर उन्नीस से करेंगे तो ये आपका कट जाएगा यानी कि उन्नीस इंटू उन्नीस ऊपर हो गया और नीचे एक हज़ार चौबीस का जब हम करेंगे तो इसका पेयर बनेगा बत्तीस इंटू बत्तीस तो पेयर में से जब अंडर रूट में है तो एक हम बाहर निकाल लेते हैं उन्नीस वटे बत्तीस एक जोड़ा इधर बन रहा है एक जोड़ा इधर तो एक एक संख्या हम बाहर निकाल लिए उन्नीस वटे बत्तीस आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर सी में है तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा तो इस तरह से अगर दसूलो में भी दिया है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उन दसलो को हटा लेंगे और उनका गुणनखंड निकालेंगे जोड़ा पेयर पेयर बना लेंगे में से एक एक संख्या निकालेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट हम देखते हैं यदि अंडर रूट बत्तीस दशमलव चार बटे अंडर रूट इज्कल टू दो हो तो यक्ष का मान बताना है आपको यहाँ पर भी यक्ष का ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्गमूल मूल्य और घन से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर भी दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको अंडर रूट ऊपर भी है अंडर रूट नीचे भी है स्कल टू दो दिया है तो इसको सॉल्व करना है हम क्या करेंगे जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट जो अंडर रूट का अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या दी गई है अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है संख्या आपकी वही रहती है उसका वर्ग नहीं होता है केवल आपका अंडर रूट अगर मान लीजिए अंडर रूट दो है इसका अगर हम वर्ग करते हैं रूट में कोई संख्या है तो आपका क्यों रूट हट जाएगा इसके मान आ जाएगा दो अगर बिना रूट का कोई संख्या अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो उसका आपका वर्ग होता है दो का वर्ग आपका चार हो जाएगा तो इस तरह से देखिए ये बत्तीस दसमलव चार अंडर रूट में था एक्स भी अंडर रूट में था जब इधर हम वर्ग किए इधर वर्ग किए तो ये अंडर रूट हट गया दोनों का और इधर जब वर्ग किए दो का तो दो का हमारा स्क्वायर होगा यहाँ पर हो गया आपका बत्तीस दशमलव चार बटेल टू दो का स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर आपका चार हो गया अब हम सॉल्व कर लेंगे क्या करेंगे चार से हम बत्तीस दशमलव चार को काट देंगे यहाँ पर देखिए बत्तीस दशमलव चार बटे चार यहाँ से आपका आठ दसमलव एक आपका आंसर होगा चार बटे बत्तीस चार एक चार आठ दसमलव एक आपका आंसर आ जाएगा आठ दसमलव एक आपका ऑप्शन में है देखिए कहीं पर है ए में आपका नो दिया है बी में आपका जीरो पॉइंट नाइन सी में आपका जीरो पॉइंट जीरो नाइन और डी में इनमें से कोई नहीं तो आठ दस एक आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है जो चार ऑप्शन आपको मिले गए हैं तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट हम देखते हैं किस संख्या का वर्ग तिहत्तर छानवे आपकी एक संख्या दी हुई है और पूछा जा रहा है कि एक किस संख्या का वर्ग है तो कैसे हम निकालेंगे बड़ी संख्या आपको दे दी जाए और उस पूछा जाए किस संख्या का वर्ग है तो क्या करेंगे हम भागफल विधि से इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले भाग फल विधि से हम करेंगे सॉल्व तिहत्तर छियानवे भागफल विधि से हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिए तिहत्तर और छियानवे ये दिया गया संख्या और पूछा जा रहा है किस संख्या का ये वर्ग है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम ये दो दो का पेयर बनाते हैं इसमें दो दो का हम पेयर बना लिए अब आपका सबसे पहले हम देखेंगे ये तो तिहत्तर है किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है या इससे कम इससे अधिक नहीं चाहिए तिहत्तर से अधिक आपका नहीं होना चाहिए तो अगर हम आठ से हम आठ से आठ में भाग दें जिस संख्या को लेंगे उतने ही संख्या में हमको भाग भी देना होता है यानी कि आठ लिए सात में भाग देंगे आठ लिए चार में भाग देंगे आठ अगर ले रहे हैं तो आठ में भी भाग जाना चाहिए आठ से आठ में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा चौंसठ यहाँ पर और यहाँ पर आपका शेषफल बचेगा नौ no. ठीक है और फिर जब सेसफल आप उतार लिए तो ये जो दो पेयर आपका बना हुआ है बचा हुआ है उसको भी हम उतार लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नौ सौ छियानवे और अब यहाँ पर हम कैसे भाग देंगे इसके बाद से यहाँ तो आठ से दे दिए अब ये जो आठ है और ये आठ है इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं आठ आठ आपका सोलह इसको हम यहाँ उतार लेंगे सोलह को अब इसके आगे एक कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जा रहा हो तो उस उस संख्या से हम भाग देंगे जैसे मान ली यहाँ पर छः से आप छः को हम ले लिए तो छः को हम कैसे जानेंगे छः से कट रहा है छः से पहले हम भाग देंगे इसमें छः कम छः यहाँ पर कटेगा नौ तो तीन आपका बचेगा नौ सौ छानवे में अगर छः से हम भाग दें तो देखिए आपका कट रहा है कि नहीं नौ सौ छानवे में छः से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए छः कम छः तीन बच रहा है छः छः का छः में भाग देंगे छत्तीस फिर तीन बचेगा फिर छत्तीस यानी कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है छः से तो आपका क्या आया था, था।, था।, था। नौ सौ छानबे यहाँ पर है नौ सौ छानवे में हम किससे भाग दिए सोलह आपका था आठ आठ हम पहले ऐड कर लेते हैं छः से अगर हम भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये आपका भाग दे के हम देख लेंगे छः यहाँ पर है यहाँ पर आपका था आठ और छः से भाग देंगे छः में जो संख्या हम यहाँ लेंगे उतनी ही संख्या में हमको भाग भी देना है यहाँ पर तो यहाँ से नौ छः का हम छः में इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नौ सौ छानबे आ जाएगा और यहाँ से ये यह पूरी संख्या कट जाएगी तो आपका जो ये एट्टी सिक्स है ये एट्टी सिक्स जो संख्या है यही संख्या आपकी वो होगी देखिए दी हुई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालने पर ये आपका पता ये आपको मिलता है भाग विधि से निकालने पर अतः तिहत्तर छियानवे संख्या एट्टी सिक्स का वर्ग है अगर एट्टी सिक्स का वर्ग करें एट्टी सिक्स का स्क्वायर करें तो तिहत्तर छियानबे हमको मिलेगा आप करके देखिएगा मिलेगा आपको तो यहाँ से इस तरह से हम निकाल सकते हैं अगर किसी संख्या का वर्ग दिया गया है किस संख्या का वर्ग ये संख्या है ऐसे पूछा जाए तो उस संख्या को हम भागफल विधि से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद से ये जो ऊपर संख्या आएगी जितने से पूरा पूरा कटा है वही संख्या आपकी होती है इसी संख्या का ये संख्या वर्ग है नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं आपके एग्जाम में देखिए ये दिया गया है बहुत ही सिंपल ट्रिक से जो आपको बताया गया था फार्मूला उस पर हम सॉल्व करेंगे देखिए अंडरवुड में फाइव अंडरवुड में फाइव मतलब ऐसे करते करते अनंत तो तक ये जा सकता है यन नंबर तक जा सकता है जितने नंबर तक जाए जा उसको हम यन बोलते हैं इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिया गया और इसका मान पूछा सर इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है तो हम कैसे बताएंगे इसके लिए एक फार्मूला है जिसको आप नोट कर लीजिएगा अंडरवुड में एक प्लस अंडर वुड में यक्स इंटू अंडरवुड में एक इंटू मतलब बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं लगा इंटू लगा है ऐसे आपको कोई क्वेश्चन मिले उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका सूत्र है पे 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 पावर 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 देखिए कैसे फॉर्मूला आपका टू पे पावर एन माइनस वन अपॉन टू, टू, टू पे पावर एन तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे एक्स जो संख्या दी होगी ऐसे आपको पांच पांच दिया है की जगह पाँच हो गया पाँच पे पावर टू है टू तो दिया गया है यन मान क्या है कितनी बार पाँच है एक दो तीन चार पाँच छः बार है तो यन मान छः हो जाएगा छः माइनस वन और बटे टू पे पावर छः टू पे पावर यन है तो यन मान छ है छः में से एक माइनस करेंगे तो टू पे पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाँच पे पावर यहाँ पर टू पे पावर फाइव और अपन टू पे पावर सिक्स तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दो का हम जब पाँच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब तिरसठ आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो का हम आ, यहाँ पर छः बार कर लिए तो यहाँ पर आपका आएगा टोटल चौंसठ आएगा लेकिन एन माइनस वन है तो इसमें से हम एक घटा लेंगे तो ऊपर आपका तिरसठ आ जाएगा और जो नीचे आपका दो पे पावर छः है तो इसका मान चौंसठ ही आएगा दो का हम छः बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तो ये आपका आंसर हो गया फाइव पे पावर सिक्सटी सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटी फोर तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो इसी फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो इस फार्मूले पे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए एक्स पे पावर टू पे पावर एन माइनस वन बाई पे पावर एन एन क्या है जितनी बार आपका ये मान दिया हो छः बार दिया एक दो तीन चार पाँच छः बार पाँच है तो एन का मान छः हो गया पाँच यहाँ पर है तो एक्स के जगह पाँच है तो एक्स इचकल टू आपका पाँच हो गया और यनकल टू आपका छः हो गया तो अब आप इस फार्मूले में रख के मान निकाल लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ गया फाइव पे पावर सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटी फोर तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही होगा फाइव पे पावर सिक्सटी देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका सी वाला फाइव पे पावर सिक्सटी थ्री बाई सिक्सटी फोर नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट फिफ्टी ट्वेंटी फाइव प्लस अंडर रूट वन जीरो एट प्लस अंडर रूट में वन फाइव फोर प्लस अंडर रूट में टू टू फाइव इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका क्या मान है तो देखिए इसमें क्या है कि बीच में प्लस लगा हुआ है बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, उसमें, प्लस लगा हुआ है। उसमें प्लस नहीं था तो इसका कुछ और रूल है इसको सॉल्व करने के लिए चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कौन सा सही है ये आपको बताना है चलिए हम देखते हैं ये इस तरह का एक और फार्मूला आपका होता है कि अंडर रूट में एक प्लस अंडर मतलब जो प्लस तो लगा हुआ हो बीच में लेकिन जो यक्स का मान है वो सेम हो बराबर हो जैसे इसमें सेम नहीं है उसमें आपका पाँच पाँच था इसमें दस है पच्चीस है एक सौ आठ एक सौ चौवन अगर ऐसे केवल एक संख्या होती जैसे मान लीजिए दस ही केवल होता तो इसका आंसर क्या होता है केवल दस जो संख्या एक्स के जहाँ पर दी हुई होगी वही आपका आंसर हो जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन में ये रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संख्या अलग अलग दी गई है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं बहुत ही आसानी से एक बार आप समझ लीजिएगा इसको देखिए आप सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो में दो सौ पच्चीस है पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे किस किसका वर्ग है ये पंद्रह का पंद्रह का वर्ग वर्ग है आपका दो सौ पच्चीस और दो सौ पच्चीस का वर्गमूल है पंद्रह तो इसका पंद्रह इंटू पंद्रह होगा और गोल में क्या होता है दो का हम पेयर बनाते हैं और एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं तो पंद्रह का ये पेयर बन रहा है तो एक पंद्रह बाहर हो गया यानी कि इस जो अंडर रूट में जो था दो सौ पच्चीस उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पंद्रह लिख सकते हैं अंडर रूट आपका हट जाएगा तो अब हम दूसरे स्टेप को सॉल्व करेंगे यानी कि एक सौ चौवन प्लस अंडर रूट में दो जो दो सौ पच्चीस था इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा तो अंडर रूट में एक सौ चौवन तो है लेकिन पंद्रह आपका अंडर रूट से बाहर है इस आ, इस पूरे अंडर रूट में दो पंद्रह आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे एक सौ चौवन में पंद्रह जब ऐड करेंगे तो एक सौ उनहत्तर हो जाएगा अंडर रूट में अब हम देखेंगे एक सौ उनहत्तर किसका वर्ग है तो एक सौ उनहत्तर का जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो तेरह का ये पेयर बन रहा है तेरह का जोड़ा बन रहा है तो एक तेरह हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आपका ये दोनों स्टेप सॉल्व हो गया और इसका मान आ गया तेरह अब हम तीसरा स्टेप सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक सौ आठ के साथ हम क्या करेंगे तेरह ऐड कर लेंगे अब अंडर रूट ये दोनों अंडर रूट हट गया आपका ये दोनों सॉल्व हो गया अब तेरह मान आ गया एक सौ आठ प्लस तेरह करेंगे यहाँ से दोनों को ऐड कर लेंगे एक सौ इक्कीस आएगा एक सौ इक्कीस का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर ग्यारह इंटू ग्यारह ग्यारह का जो वर्ग है आपका एक सौ इक्कीस है ग्यारह आपका एक सौ इक्कीस का वर्गमूल है तो यहाँ से आपका दो का ग्यारह का पेयर बन रहा है तो ग्यारह एक ग्यारह हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से ये बाहर आपका आ जाएगा तो यहाँ से अब तीन स्टेप सॉल्व हो गया और तीनों स्टेप का मान यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है ग्यारह आ रहा है अब हम देखेंगे चौथे स्टेप को चौथे स्टेप को सॉल्व करेंगे अब आपका अंडर रूट में क्या बचा पच्चीस और प्लस इन तीनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर आपका लास्ट में ग्यारह आ रहा है तो पच्चीस में ग्यारह हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर छत्तीस हो जाएगा छत्तीस का जो हम निकालेंगे वर्गमूल तो छः इंटू छः का पेयर बनेगा और एक छः हमारा बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मान आपका छः चौथे स्टेप को भी सॉल्व कर लिए हम यहाँ तक पूरा अब हम पाँचवें को सॉल्व करेंगे अंडर रूट में दस है आपका और ये पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में हमारा क्या आया छः आया तो दस में हम छः ऐड कर लेंगे सोलह हो जाएगा और सोलह किसका वर्गमूल है सोलह का वर्गमूल क्या है चार इंटू चार का जब हम करेंगे चार का दो पेयर बनेगा यहाँ का दो चार है इसका एक पेयर बना और एक चार हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर आपका चार लास्ट में जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरह की इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही तरीका है इससे बहुत आसानी से कम समय में कर पाएंगे अगर ऐसे जल्दीबाजी में कुछ और आप किसी और तरीके से सॉल्व करें तो उसमें गलत हो जाएगा तो यहाँ से आप स्टेप बाई स्टेप कीजिएगा पहला स्टेप मैंने सॉल्व किया दो सौ पच्चीस का पहले वर्ग वो निकालिया पंद्रह आ गया अब एक दूसरे स्टेप में एक सौ चौवन के साथ पंद्रह को ऐड कर दिया फिर यहाँ पर तेरह आ गया फिर तीसरे स्टेप में एक सौ आठ के साथ इस तेरह को ऐड कर दिया यहाँ से आ गया एक सौ इक्कीस फिर चौथे स्टेप में एक सौ पच्चीस के साथ इक्कीस क्या आ गया ग्यारह एक सौ पच्चीस के साथ ग्यारह ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया छत्तीस पच्चीस था केवल छत्तीस आ गया और छत्तीस का आ गया आपका वर्गमूल छः यहाँ पर आ गया और इस चार चारों स्ट्री को सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है छः अब दस में हम छः ऐड कर देंगे लास्ट में आपका अंडर रूट में दस बचा हुआ है तो दस में हम छः ऐड कर दिए तो सोलह हो गया और सोलह का वर्गमूल हमारा निकल गया चार तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा चार आंसर आ जाएगा चार देखिए कौन से ऑप्शन में है तो डी में है डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा नेक्स्ट हम देखते हैं अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे लेकिन जब सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे देखिए दो सौ चौरानवे को दो सौ चौरानवे को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक वर्ग हो दो सौ चौरानवे को किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें कि जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग हो पूरी तरह से वर्ग किसी न किस संख्या का हो वर्ग हो तो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको चार इसमें से बताना है कौन सा सही है तो चलिए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अगर एक क्वेश्चन भी इस टाइप के सॉल्व कर लिए आप तो बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं देखिए दो सौ चौरानवे आपका दिया है इसका हम गुणनखंड पहले सबसे पहले करेंगे देखिए इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपका जो गुणनखंड आएगा सात इंटू सात इंटू तीन इंटू दो अब इसमें देखेंगे हम किसका पेयर बन रहा है किसका जोड़ा बन रहा है तो केवल सात का एक पेयर बन रहा है तीन का नहीं बनेगा दो का भी नहीं बनेगा क्योंकि एक एक बार आया है दो बार आता तो बनता तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में यानी कि तीन में दो का मल्टीप्लाई करेंगे छः आएगा अब जो छः आएगा वही संख्या आपकी होगी उसका आंसर यहाँ पर देखिए अतः दो सौ चौरानवे में छह से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा अगर दो सौ चौरानवे में हम छह से गुणा करते हैं तो जो संख्या हमको मिलेगी वही हमारी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी तो अगर इस टाइप का को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सौ चौरानवे को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका गुणनखंड निकाल लेंगे जो गुणनखंड आएगा उसमें जो पेयर बनेगा उसको तो छोड़ देंगे जो पेयर नहीं बनेगा जिस इस संख्या का उस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे संख्या को गुणा कर लेंगे और जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा तो यहाँ से आंसर क्या होगा आपका छः यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसी तरह के और भी क्वेश्चन है जैसे देखिए बाईस सौ को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो अब भाग के लिए भी पूछा जाता है और गुड़ा के लिए भी तो किस संख्या से हम भाग देंगे छोटी से छोटी कि जो भाग फल हमको प्राप्त होगा पूरा का पूरा वर्ग हो किसी न किसी संख्या का तो क्या करेंगे इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और वर्ग अगर पूछा जा रहा है तो दो दो का पेयर हम ढूंढेंगे किस किस संख्या का दो का पेयर बन रहा है तो तीन का बन रहा है और सात का बन रहा है तो ये दोनों का पेयर बन गया जो नहीं बना केवल उसको हमको देखना है पाँच आपका बच रहा है पाँच का पेयर नहीं बन रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्या है आंसर हो गया तब बाईस को 5 से भाग देने पर भागफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा अगर 5 से हम भाग दे दें इस संख्या को तो जो आंसर आपका आएगा भागफल आएगा वही आपका पूर्ण वर्ग होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं अगर कहीं अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाएगा नेक्स्ट हम देखते हैं पांच अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो जब वर्ग के बारे में कहा जाए तो हमको पेयर ढूंढना है कि पेयर किसका किसका बन रहा है जैसे दो संख्या का हम पेयर बनाते हैं वर्ग में और घन घन आपसे पूछा जाए तो तीन संख्या का उसमें हमको पेयर बनाना होता है तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि वर्ग के लिए हम क्या करेंगे और घन के लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है नौ हज़ार नौ सौ यहाँ पर देखिए निन्यानवे हज़ार नौ सौ निन्यानवे पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होती है आपकी तो सबसे पहले ये तो हमको पता होता है कि यही बड़ी संख्या है अब हम क्या करेंगे इसी का हम भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे भागफल विधि से वर्गमूल निकालने को आता है दो दो का पेयर बनाएंगे जो बचेगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई काट यहाँ पर पूरी तरीके से काट देंगे और यहाँ पर देखिए शेषफल दे बच रहा है एक सौ तैंतालीस जो एक सौ तैंतालीस है उसका भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या शेषफल ये बच गया अब जो शेषफल बचेगा उसको इस जो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी थी उसमें से माइनस कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा जो यहाँ से मान आएगा वही आपका आंसर होगा तो निन्यानवे आठ सौ छप्पन ये डी ऑप्शन में दिया है ये ऑप्शन आपका सही आंसर है तो इस तरीके से पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम ले लेंगे उसका वर्गमूल हम निकालेंगे भागफल विधि से और जो आपका शेषफल आएगा उसको हम इस संख्या में से माइनस कर लेंगे अब जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है आपको उसको सॉल्व करना होता है देखिए टू टू आपका बाहर है और ये घनमूल दिया गया है थर्टी टू का थ्री आपका लगाया गया है रूट के पहले थ्री लगा हुआ है यानी कि घन इसका निकालना है घनमूल निकालना है तो टू आपका बाहर है किनारे दिया हुआ है टू इसके साथ लगा हुआ है और थ्री अंडर रूट थर्टी टू माइनस थ्री इंटू थ्री अंडर रूट फोर प्लस थ्री अंडर रूट फाइव हंड्रेड ये किसके बराबर है इसको हमको पूरा ये इक्वेशन सॉल्व करना है एक समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करना है और चार ऑप्शन दिए गए है इसमें से हमको आंसर बताना है कौन सा सही है तो चलिए हम देखते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आपका ये था ठीक है थ्री इसके पहले लगाया गया तो इसका हम देखेंगे कि घनमूल किसका बन रहा है ये बत्तीस का पूरा हम गुणनखंड कर लेंगे इसमें से पाँच दो हमको मिल रहा है फिर हम चार का करेंगे तो दो, दो बार दो मिलेगा पाँच सौ का करेंगे तो दो बार दो और तीन बार पाँच हमको मिलेगा तो घनमूल हमको बनाना है यहाँ पर एक पेयर बन रहा है दो का और दूसरा नहीं बनेगा क्योंकि दो ही बार दो है तीन बार होता तो दूसरा पेयर बनता तो यहाँ पर एक पेयर बना यहाँ पर एक भी नहीं बना और यहाँ पर एक पेयर बना तो क्या करेंगे हम इसमें से जो पेयर बन रहा है उसको तो हम बाहर निकाल लेते हैं एक संख्या दो तो आपका पहले से बाहर था और एक दो और निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार और थ्री अंडर रूट में क्या बचेगा जो बच रहा है उसको उंगूड़ा करके अंडर रूट में ही लिख देंगे तो एक दो यहाँ से बाहर निकालिए बाहर हो गया चार और थ्री अंडर रूट अंदर भी आपका हो जाएगा चार ऐसे यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है तो इसको हम गुड़ा करके अंडर रूट में ही लिख लेंगे तो जैसे था आपको वैसे लिख लिया और यहाँ पर पाँच का एक पेयर बन रहा है तो एक पाँच हम बाहर निकालिए पाँच आपका बाहर आ गया और ये दो का पेयर नहीं बन रहा तो दो का उड़ा करके हम अंदर लिख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री अंडर रूट फोर थ्री इंटू थ्री अंडर रूट फोर और फाइव इंटू थ्री अंडर रूट फोर तो एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर अंडर रूट में फोर सारे में है तो क्या होगा ये आपका सारे हम जोड़ या घटा सकते हैं तो चार आपका प्लस में है पाँच आपका प्लस में है तो चार और पाँच हम जोड़ेंगे पाँच और चार आपका क्या हो जाएगा नौ नो थ्री अंडर रूट आपका फोर होगा ये हो जाएगा और एक आपका दिया है माइनस में थ्री इंटू थ्री अंडर रूट फोर तो हम क्या करेंगे चार और पाँच को हम ऐड कर लिए तो यहाँ पर हो गया नौ थ्री अंडर रूट फोर और माइनस थ्री इंटू ये वाला थ्री अंडर रूट फोर अब हम क्या करेंगे नौ में से ये तो बराबर है आपका ये तो ऐसे लिखेंगे नौ में से हम क्या करेंगे तीन माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा छः थ्री अंडर रूट फोर छः इंटू थ्री अंडर रूट फोर तो यही आपका आंसर हो जाएगा ये कौन से ऑप्शन में है आपका छः इंटू थ्री हंड्रेड रूट फोर आपका सी ऑप्शन सही होगा तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट हम देखते हैं अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे आठ पे पावर टू बाई थ्री है आठ पे पावर आठ आपका दिया गया है इस पे पावर है टू बाई थ्री का तो इसको इसका मान आपको बताना है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आठ पे पावर टू बाई थ्री किसी भी पावर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे जो आठ आपका है इसको भी हम पावर में लिख लेंगे ये किसका पावर होगा दो पे पावर अगर हम थ्री करें तो आठ हो जाएगा यानी कि दो बार तीन दो का तीन बार मल्टीप्लाई करते तो आठ हमारा आता है तो आठ को हम क्या लिख सकते हैं दो पे पावर थ्री और इस पे पावर आपका टू बाई थ्री दिया ही है अब हम क्या करेंगे इसमें से जो कटेगा उसको काट देंगे देखिए दो पे पावर थ्री था और इस पे पावर आपका टू बाई थ्री था तो इनटू क्या हो जाएगा टू बाई थ्री थ्री से थ्री कट जाएगा दो पे पावर आपका दो बचेगा और दो का स्क्वायर आपका होता है चार तो यहाँ से देखिए दो, दो पे पावर थ्री लिख लिए और टू बाई थ्री आपका ऊपर दिया था और इसको हम क्या करें थ्री से थ्री कट गया टू पे पावर टू बचा और टू का स्क्वायर आपका फोर है तो इस तरीके से इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये थे ये थे सारे आपके क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे अभी हम आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन बताया गया उसी पर आधारित है ये पांच क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसके आंसर को देखिए पाँच क्वेश्चन है आपके जैसे आपको क्वेश्चन करवाया गया सेम उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और वहां से आप क्वेश्चन को समझ के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये सारे पांच क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वर्गमूल और घनमूल के इससे अलावा और भी किसी टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे इतना कर लिए तो वर्गमूल और घनमूल के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लेंगे तो ये देखिए ये पाँचों क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और अगर वीडियो में अगर इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देख के आप सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन समझ लीजिएगा जो बताया गया है फिर इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व की क्योंकि इस सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं आज तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें